हेलो बडीज़, मेरी ये न्यू वीडियो आ रही है। ये मैं बना रहा हूँ कार के ऊपर, कार का इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बस फिर आप देखिए और एंजॉय करिए इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रंट लुक से ऐसी दिखती है। ये ZDI मॉडल है, सॉरी ZXI मॉडल है, पेट्रोल वेरियंट है ये। ब्लैक अलॉय व्हील्स के साथ आती है, देख सकते हैं। थोड़ी सी कार गंदी होगी, वॉश नहीं की, उसके लिए सॉरी। और यहाँ से इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो होता है इसका 198 mm, इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। और अपोलो के टायर्स लगे हैं, देख सकते हैं। और 49 लीटर्स की पेट्रोल कैप अपना कैपेसिटी आती है, फ्यूल कैपेसिटी। और पीछे जो टेल लाइट्स हैं, थोड़ा सा बल्की लुक देने के लिए इसको बाहर बाहर की तरफ उभारा हुआ है। विटारा ब्रेजा का लोगो, सुजुकी का। और पीछे रेयर वाइपर, सेंसर्स, कैमरा, क्वार्टर मिरर भी लगाया हुआ है, अंदर सफोकेशन फील ना हो इस चक्कर में। और विंडो साइज़ भी बढ़िया है, अच्छा है, मतलब ज़्यादा सफोकेशन अंदर फील नहीं होता, तो लाइट भी अच्छी अंदर चली जाती है। और कीलेस एंट्री है, ये लॉक लग गया, ये अनलॉक हो गया, कीलेस एंट्री। और ये इसकी की है। और इसमें एक फीचर है, बताता हूँ। और इसको आप ऐसे इधर स्लाइड करेंगे तो ये की बार आती है, आपको अंदर बैठ के दिखाऊंगा। और ऊपर रूफ रेल्स दी हुई हैं ये स्पोर्टी लुक के लिए। एंटीना, विंडशील्ड भी ठीक है, बढ़िया, सही है, अच्छी लगती है। आइए अब फ्रंट अपने पैसेंजर साइड डोर खोल के देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये रेयर पैसेंजर साइड लेफ्ट साइड का है, थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है बोतल रखने के लिए। यहाँ पे स्पेस है, हैंड भी ठीक है रखने के लिए। और ये यहाँ पे फोम का यूज़ किया गया है, और ये प्लास्टिक है, और हाथ पकड़ने के लिए भी ठीक है। स्पोर्टी लुक अंदर से भी आना चाहिए, ब्लैक और सिल्वर फिनिश में है। और ये हैंडल्स, देन अंदर जो इसके सीट कवर्स हैं उसके ऊपर कंपनी की तरफ सीट कवर्स चढ़वाए गए हैं। और इसमें आपको ये हैंड रेस्ट मिल जाता है, और 2 कप होल्डर के साथ हैंड रेस्ट। और आपको इसमें मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि आप आराम से अच्छे से यहाँ एक पूरा अच्छे से बेड बना सकते हैं। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ, ये सीट को ऐसे उठाया, ऐसे आगे कर दिया, और इसको खींच कर आपने ऐसे लिटा दिया, और ये देखते पूरा अच्छे से एक बेड टाइप बन जाता है। देखिए पूरा अच्छे से, जब ये इसको मैं निकाल दूंगा तो और अच्छे से बन जाएगा। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, वो उसको भी ऐसे गिरा दो और एकदम आराम से बेड बन। लॉन्ग ट्रिप के दौरान आप ऐसे सीट को लिटा दो और आराम से आप बेड बना सकते हैं इसमें। आपको है कुछ, कोई AC नहीं मिलता, कोई चार्जर नहीं है, बट आपको चार्जर ये देख सकते हैं, यहाँ एक आपको लाइट मिल जाती है ऑन ऑफ करने के लिए। और यहाँ आपको एक चार्जर मिल जाता है 12 वोल्ट का। और बूट स्पेस भी इनफ है। और यहाँ पे पार्सल ट्रे मिल जाती है ट्विन साइड की, इधर से भी उठ सकती है, उधर से भी उठ सकती है। और बूट को मैं अभी क्लोज कर दूंगा, और ये क्लोज कर दिया। आइए फ्रंट साइड पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं। ये पैसेंजर फ्रंट साइड को ड्राइवर सीट का ये विंडो है, सॉरी विंडो कह रहा डोर हूँ, डोर है ये। यहाँ पे आपको अच्छे से हैंड रेस्ट मिलने के लिए मिल जाता है, अच्छी लेंथ है। और ये वही फिर से फोम के साथ। और यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे बोतल रखने के लिए मिल जाता है। और ऐसे ऐसे हम इसको अंदर जाते हैं तो यहाँ पे ऊपर में एक ग्लो बॉक्स मिल जाता है, और नीचे ग्लो बॉक्स मिल जाता है आपको। और ऐसा दिखता है आगे से डैशबोर्ड, देख सकते हैं आगे का। और अच्छी खासी यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, अच्छी खासी जगह से मिल जाती है। और यहाँ पे सनग्लास होल्डर आपको मिल जाता है, और ये लाइट्स, रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं 2।
ऐसे चाहे ऐसे चला सकते हैं, ये विंडो ओपन है इसलिए। और यहाँ आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है देखने के लिए। और इधर पर से अपना ड्राइवर साइड कुछ नहीं, सिर्फ टिकट होल्डर मिल जाता है। और ये ऑटोमेटिक नहीं आता, मैनुअल एडजस्ट करना पड़ता है डे नाइट के लिए। और अब हम ड्राइवर साइड बड़ी, अब हम आ चुके हैं ड्राइवर साइड की तरफ। और ड्राइवर साइड का आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है, देख सकते हैं ये 3 spokes। आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, यहाँ पे सब कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मोड चेंज, ये कट ऑन, फ़ोन से क्रूज़ कंट्रोल आपको मिल जाता है यहीं से। और यहाँ पे हैंड रेस्ट आगे पीछे होने वाली, और कुछ स्पेस मिल जाती है इसमें, और यहाँ पे कुछ स्पेस, यहाँ पे कुछ स्पेस है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर 5-speed मैनुअल गियर मिलता है 1 reverse के साथ। और यहाँ ऑक्स और USB के लिए, और ये 12V का चार्जर के लिए। और यहाँ पे AC आपको ऑटो मिल जाता है, और जैसे आप मोड चेंज करना चाहते कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 7-inch फुल डिस्प्ले इंफॉर्मेटेनमेंट डिस्प्ले मिल जाता है। और इस साइड आपको वाइपर, रियर वाइपर के और वाइपर के मिल जाते हैं। इस साइड आपको डिपर और इंडिकेटर का मिल जाता है। और यहाँ की तरफ आपको मिल जाता है फॉग लाइट, ORVM सेट करने के लिए, डिपर डाउन अप करने के लिए। और इस साइड आपको पूरा कंट्रोल मिल जाता है विंडोज़ के लिए भी। और यहाँ पर ये लॉक अनलॉक, और ये फ्रेंड्स ये क्लच दबाया और इसको मैंने स्टार्ट किया। और ये देखते हैं यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम भी स्टार्ट हो गया, साथ में S लिखा आ गया सुजुकी। और इसको मैंने यहाँ पे दबाया, और यहाँ से देख सकते हैं आप ये ओपन हो गए, यहाँ से इसको किया बंद हो गए। मैक्सिमम पहले मारुति यहाँ पे देती थी, ये अच्छा कि यहाँ पे दे दिया, इसको बस प्लेन रखा। और यहाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम में आप देख सकते हैं, ओडोमीटर में देख लीजिए कलर चेंज होते हैं, ब्लू हो गया, रेड हो गया, वाइट हो गया, ऑरेंज हो गया। 5 colors का ऑप्शन मिलता है, जो आपको अच्छा लगे उस पर आप सिलेक्ट करके चेंज कर दे। इसमें भी रेड अच्छा लगा तो मैं रेड पे कर लिया। और यहाँ आपको टेम्परेचर मिल जाता है, आउटसाइड टेम्परेचर, रेंज, पेट्रोल डाला तो कितना रेंज है, कितनी चल चुकी है, और ये RPM और स्पीड लिमिट, और सब वार्निंग्स मिल जाती हैं। इस पर भी आपको वार्निंग्स मिल जाती हैं, इस पर भी आप लोगों को वार्निंग्स मिल जाती, दिखाता हूँ इसको नीचे किया यहाँ से। और इधर एवरेज निकल जाती है कितनी कितनी, ये एवरेज है, हिस्ट्री में जाते हैं कितनी कितनी ट्रिप्स लगाने पर आपकी कितनी कितनी एवरेज आई है। यहाँ पे आ देते हैं फ्यूल एफिशिएंसी, ड्राइविंग रेंज, एवरेज, हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं पेट्रोल कितनी बार आपने भरवाया, कितनी एवरेज निकली। और यहाँ मीडिया, मीडिया में सब कुछ आपको मिल जाता है, ऑक्स के साथ जोड़ना, ऑक्स के साथ ये AC, ये मैंने यहाँ पे इसको ऑन किया और ये AC ऑन हो गया, फिर AC यहाँ से बंद किया, यहाँ से ऑफ, मैनुअली है। ऑटो भी आप कर सकते हैं, ऑटो सिर्फ स्पीड होगी, AC एडजस्ट नहीं होगा। और यहाँ आपको FM का, AM का सबका ऑप्शन मिल जाता है, फ़ोन कनेक्शन लिंक, ये कनेक्ट करने के लिए आपके फ़ोन में पेड करने के लिए सब चीज़ें होनी चाहिए, ये फ़ोन जुड़ जाता है। देन वॉच आ जाएगी, उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में डिस्प्ले, व्हीकल अलर्ट्स, मतलब कि आपको कौन कौन सी वार्निंग चाहिए वो आप ऑन ऑन ऑफ कर सकते हैं। सिस्टम इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर कौन सा है इसमें, ये सब स्क्रॉल करते जाएंगे आपको नीचे मिलता रहेगा। रीसेट कर सकते हैं, सिक्योरिटी लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं इसमें आप, व्हीकल इंफॉर्मेशन, व्हीकल अलर्ट्स, डिस्प्ले, और भी बहुत कुछ। और यहाँ पे हजार्ड लाइट मिल जाती है। और वैसे
ठीक है, अच्छा है, पावर स्टीयरिंग भी एकदम ईजिली मूव होता है, हल्का है। और आपको ये जो सीट है ये ऑटोमेटिक तो नहीं है, मैनुअली एडजस्टेबल है, हाइट अप डाउन 8 टाइम्स। और यहाँ पे आपको वार्निंग्स मिल जाएगी, जैसे मैंने अभी हैंड ब्रेक नीचे की बंद हो जाएगी, और ये ऊपर की सीट बेल्ट की वार्निंग मिल रही है। अभी मैं कार बंद कर दे रहा हूँ, अभी जैसे मैंने वंस अगेन फिर से स्टार्ट किया, और आपको बाहर से लुक दिखाता हूँ कैसे लगती है बाहर से। ये देख लीजिए लुक, DLRs लगे हुए हैं वाइट में, इधर भी DLRs लगे हैं, और इधर दो वाइट लाइट और फॉग लाइट भी हमारी वाइट ही है इसमें, और ऐसी है कार दिखती है बाहर। फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा हो कार की वीडियो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बस आपके लिए बनाई थी, टाइम निकाला मैं, क्या आप लोगों को एक छोटा सा टूर दे दूँ कार का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।